माता की जय। महिलाएं अच्छे पढ़े भी लिखेंगी तो एक परिवार गाँव सब में बदलाव ला सकती है। मैं कैंडिडेट था जो कि मैं करीबन 6 साल से पार्षद की लाइन में था। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और सभी लोग मन बना चुके। सर्व समाज ने फैसला लिया, अग भाई सुखबीर चेयरमैन तो नहीं रहे लेकिन पुष्पा जी को पार्षद बनाने का हमने निर्णय लिया। जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी पार्टी द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। जहां कई उम्मीदवार वार्ड के अंदर चुनाव में उतरे हुए थे, वहीं अब उम्मीदवारों की संख्या कम होने लगी है। अगर हम बात करें जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के चुनाव की, तो यहां मामला पूरी तरह से एक तरफा दिखने लगा है। जिसका कारण ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ इलाके के मौजूद लोगों ने सुखबीर चेयरमैन की हत्या के बाद अपनी सहानुभूति जताते हुए उनकी पत्नी पुष्पा को जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की थी, वहीं रही सही कसर बीजेपी पार्टी ने पुष्पा देवी को अपना उम्मीदवार बनाकर पूरी कर दी। पुष्पा देवी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जहां महिलाओं को शिक्षित करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए लोगों से वोट की अपील की है। महिलाएं अच्छे पढ़ेंगी लिखेंगी तो एक परिवार गाँव सब में बदलाव ला सकती है। अपनी भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों का आप जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के रिठौज गांव की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी के नामांकन करने से पहले परिषद इलाके के सभी गांवों के मौजूद लोग अपना अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर आज जिला परिषद चुनाव के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे कई उम्मीदवार भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी सहानुभूति पुष्पा देवी के साथ जताते हुए अपना समर्थन ही नहीं दिया बल्कि तन मन धन से सहयोग करके भारी मतों से जीत दिलाने का विश्वास भी दिलाया है। समाज के सभी लोगों ने मिलकर पुष्पा को कैंडिडेट बनाया है, हम समाज के साथ हैं और आज लोगों में रोष है। जैसे कि सुखबीर भाई का पीछे कत्ल हुआ, उस कत्ल को सबने एक बहुत बुरी नज़र से देखा गया कि इतना बुरा काम हुआ है कि ऐसा इस क्षेत्र में कभी आज से पहले हुआ नहीं था। उस सबको देखते हुए सबकी मन से ये हुई कि भाई पुष्पा को कैंडिडेट बनाया जाए और इसको कोशिश ये रही है कि निर्विरोधी बना के लाया जाए। पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो षड्यंत्र रच रही हैं, षड्यंत्र रच के जो है उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि इसको निर्विरोध ना बनाने का काम कर दिया कि अलग अलग जगह से कैंडिडेट कर दिए गए। कुछ कैंडिडेटों ने इसके पुष्पा के से उसमें अपना विड्रॉल भी कर लिया कि हम इसके उसमें बैठ रहे हैं। अब उनको भी अप्रोच किया जा रहा है कि किसी तरह से आप लोग चुनाव लड़ें, खर्चा लो, चुनाव लड़ो, क्यों बैठ रहे हो, इस तरह की बातें आ रही हैं। पुष्पा की जीत निश्चित है, पूरे समाज ने इसको कैंडिडेट बनाया है और आप देखना आगे 9 तारीख को जब पोलिंग होगा तो पोल बता देगा अपने आप ही कि किसकी जीत है। जीत तो है ही है। अब बात तो ये है कि उस मार्जिन को कितना बढ़ाना है। अब लोग तो इस उसमें लगे हैं, इस मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और सभी लोग मन बना चुके हैं कमल के फूल पर आने वाली 9 तारीख को भाजपा के फूल पर निशान लगाकर और विजयी बना के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बना के भेजेंगे। मैं सुखबीर चेयरमैन जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बहुत काम कराए और लोग उनके साथ पहले से लगे हुए थे। पिछली बार भी थोड़ी सी वोटों से रह गए थे। अब की बार मैं खुद भी कैंडिडेट था, पर सुखबीर चेयरमैन जी के चले जाने के बाद मेरा तो मन ये था कि इनको निर्विरोधी बना देना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने समाज से पूछकर ये बात करी थी कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा और पुष्पा देवी जी के लिए समर्थन करता हूँ। जी बिल्कुल, मैंने समर्थन किया और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गया। देखिए ऐसा है, आज ये 36 बरादरी का चुनाव है, ना कि सुखबीर भाई का चुनाव है। सुखबीर भाई की दिवंगत आत्मा आज कहीं देख रही होगी, जहाँ भी होगी। आज इतना भारी जनसैलाब और एक एक आदमी के मन में ये उत्साह है कि एक भाई चला गया, हम 100 भाई खड़े हैं और हमारी शेरनी मैदान में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली 9 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो उस टाइम पेटियाँ कम पड़ जाएंगी।
पूरा क्षेत्र आज उनके साथ है और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पूरा चुनाव एक तरफा होगा, पूरा क्षेत्र दिल दिमाग और धन दौलत सबसे हमारे साथ लगा हुआ है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मैदान में हैं। मैं कैंडिडेट था जो कि मैं करीबन 6 साल से पार्षद की लाइन में था, भाग दौड़ कर रहा था और पूरी मेहनत की थी मैंने भी, सुखबीर भाई और मैं दोनों साथ ही मेहनत कर रहे थे, पर जब यह घटना घटी भाई हमारे बीच नहीं रहे, पूरी बस्ती और पूरे वार्ड का मैं डोलता था, पता पड़ा कि सब ने यही कहने लगे कि पुष्पा को बढ़ाओ, तो मैंने भी फिर समर्थन पुष्पा को दिया और गांव-गांव जाकर वोट मांगूंगा, उसको जिताने का काम करेंगे, जिता के लेंगे। हम पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये घटना इतनी बड़ी घटी, समाज का ने जो निर्णय लिया भाई पुष्पा को पार्षद बनाने का, भाई सुखबीर चेयरमैन हमारा भाई था, वो काफ़ी समय से पिछले 10 वर्षों से मेहनत कर रहे लेकिन ये घटना बहुत बड़ी घटकी, इसलिए हमने समाज ने सारे सौर समाज ने ये फैसला लिया कि भाई सुखबीर चेयरमैन तो नहीं रहे लेकिन पुष्पा जी को पार्षद बनाने का हमने निर्णय लिया, सौर समाज ने लिया, हम पुष्पा जी के साथ तन मन धन से हैं। पुष्पा देवी की नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए व अपना आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए रिठौज गांव पुष्पा देवी के चुनावी कार्यालय पर पहुंची इलाका वासियों की भीड़ ने जहां पुष्पा देवी को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन देकर एकजुटता दिखाई है, वहीं उम्मीद से ज्यादा इलाका वासियों द्वारा दिए जा रहे प्यार व सहयोग को देखते हुए परिजनों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करार देते हुए इलाका वासियों का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने समाज की और बस्ती की तरफ से जो लोग यहाँ एक आवाज़ में इकट्ठा हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जीत हमारी सुनिश्चित है, 36 बरादरी का ये चुनाव बन चुका है, ये किसी पर्सनल चुनाव नहीं है और सब लोग अपने आप को सुखबीर चेयरमैन समझ कर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जीत को पक्की बना? हाँ, जीत बिल्कुल 100% पक्की है। बता दें कि पुष्पा देवी पत्नी सुखबीर चेयरमैन के समर्थन में उतरे इलाका वासियों के जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि वार्ड नंबर 2 के चुनाव की लहर एक तरफा चल पड़ी है, लेकिन यहां तो आने वाली 9 तारीख ही बताएगी कि लोग पुष्पा देवी को कितने मार्जिन से जीत दर्ज कराते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।